हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल मोबाइल एंड बिजनेस सॉल्यूशन आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोमैक्स डूडल, इसका दोस्तों मॉडल नंबर Q391 है, डूडल है। तो ये दोस्तों माइक्रोमैक्स लिख के खड़ा रह रहा है, इसके आगे यह कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो आज हम लोग इसका फ्लैशिंग करना सीखते हैं। तो इसका फ्लैशिंग कर सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर पर चलते हैं। कंप्यूटर पर जाने के बाद यहाँ पर माइक्रोमैक्स Q391 का एक फ्लैश फाइल मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हूँ, इसी से मैं इसे फ्लैशिंग करने वाला हूँ। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसे न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर बनाने के बाद इसे कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करने से हमारा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसे एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं। आपको दोस्तों फ्लैशिंग करने से आपको कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। गूगल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप या ब्लिप कर रहा है, स्टार्ट बंद हो रहा है, या माइक्रोमैक्स या कन्वर्स या डूडल लिख के खड़ा है वो भी ठीक होता है। प्लस पैटर्न लॉक, FRP लॉक या पासवर्ड लॉक, पिन लॉक, कोई भी लॉक रहे, इस प्रोसेस से दोस्तों ठीक हो जाता है। अब यह हमारा जब एक्सट्रैक हो जाएगा, एक्सट्रैक होने के बाद इसमें खुशी की बात यह है कि MTK IC के मोबाइल है। इसमें आपको करना क्या है, इस MTK IC में के जितने भी फ्लैश टूल होते हैं, मैक्सिमम फ्लैश टूल में आपको अंदर में फ्लैश फाइल के अंदर में ही फ्लैश टूल दिए हुए रहते हैं। तो देखिए हमारा यह फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि इसका अंदर फ्लैश टूल दिया हुआ है। तो इसे एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। 96% हो गया है हमारा, 98। देखिए हमारा 100% फ्लैश हो गया। फ्लैश होने के बाद यहाँ पर माइक्रोमैक्स Q391 लिखा हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपका अगर कंप्यूटर पर ड्राइवर नहीं है तो आप यहाँ पर ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर लिखा हुआ है। अब मेरा कंप्यूटर पर ऑलरेडी ड्राइवर है, इसलिए मैं इसे ड्राइवर इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए SP फ्लैश टूल है, यहाँ पर हमारा फार्मवेयर यानी स्केटर है। देखिए MT6582 एंड्रॉयड स्केटर, यही स्केटर से हमारा दोस्तों आज एंड्रॉयड माइक्रोमैक्स कन्वर्स डूडल Q351 का किसी भी बिना बॉक्स का ये हम फ्लैशिंग करते हैं। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद SP फ्लैश टूल है, इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन चला आता है फ्लैश टूल, फ्लैश टूल को मैं ओपन करता हूँ। फ्लैश टूल को ओपन करने से यह हमारा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जाना कहाँ है, स्केटर लोडिंग में जाना है। स्केटर लोडिंग में जाने के बाद आप जिस फोल्डर पर मैंने कॉपी किया है, मैं वही फोल्डर पर जाऊँगा। मैं डेस्कटॉप पर रखा हूँ तो मैं अपना डेस्कटॉप यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप न्यू फोल्डर टू में है मेरा स्केटर फाइल जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। देखिए हमारा फार्मवेयर मिल गया। अब यहाँ पर जैसे MT6582 एंड्रॉयड स्केटर जो है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद यह हमारा प्रोसेसिंग, देखिए नीचे में यहाँ पर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यह हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है। तो इसे पूरा हमारा प्रोसेसिंग चलने दीजिए। ये करीब 800-900 MB का फाइल है जो लॉलीपॉप वर्सन पे है। दोस्तों यह फाइल मेरा पूरा सक्सेसफुल फाइल है, मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। तो देखिए यह हमारा एंड्रॉयड स्केटिंग लोड होकर आ चुका है। अब हमें अपने मोबाइल पर चलना है, लेकिन मोबाइल पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले डाउनलोड मोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड मोड पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल का डाटा केबल लगाना है। जैसे ही आप मोबाइल का डाटा केबल लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता है। ऑटोमेटिक ड्राइवर लेने के बाद यहाँ पर ये जो कॉलम है, ये नीचे का कॉलम में, ये कॉलम में आपको एक लाल रंग का लाइन आएगा, जैसे ड्राइवर लेगा वैसे ही। उसके बाद ये येलो कलर का आपका स्केटर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, अपने मोबाइल पे चलता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर मोबाइल लगाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ मोबाइल लगाया, मोबाइल लगाने के बाद देखिए यहाँ पर लाल रंग का 100% लिखा हुआ आ गया, बैंगनी कलर का आया। अब देखिए डाउनलोड फ्लैश लिखा आ गया है, 0% भी हुआ है, लेकिन यह हमारा देखिए येलो कलर का इधर से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। यह आपको 100% होने में कुछ देरी का समय लगेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक यह पूरा फ्लैशिंग ना हो जाए। पूरा फ्लैशिंग होने के बाद हमारा यह सेट जो माइक्रोमैक्स लिख के अटक रहा था, या माइक्रोमैक्स लिख के बिलीव करे, या कन्वर्स लिख के बिलीव करे, या FRP लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, या दोस्तों गूगल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लिखा आए,
माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम हो आपको फ्लैशिंग कर देने से कंप्लीट 100% गारंटी ठीक हो जाता है। और दोस्तों ये जो फ्लैश फाइल मैं इसमें अभी रीड कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्लैश फाइल अनसक्सेसफुल होते हैं जो सेट को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, उल्टा डेड कर देते हैं और आप लोगों को कस्टमर से दो चार बातें सुननी पड़ती है। इसीलिए यह हमारा फ्लैश फाइल टेस्टेड फ्लैश फाइल है, 100% गारंटी है, यह हमारा टेस्टेड फ्लैश फाइल है। मैं आप लोगों को यही फ्लैश फाइल से भी सेट स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि देखिए हमारा स्टार्ट हो रहा है या नहीं, लेकिन डाउनलोड होने के बाद देखिए डाउनलोड फ्लैश यहाँ पर चल रहा है तो इसीलिए हम इसे चलने देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बात है इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीसी और स्केटर फाइल जितना एमबी का रहता है उस हिसाब से यह हमारा चलता है। हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं कि जैसे ज़्यादा जल्दी हो। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, हमारा चैनल मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन सब्सक्राइब करिए। और यह देखिए हमारा 25% फ्लैश हो गया है, अभी चलने देते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। देखिए 29% हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा 100% होने में, 100% जैसे ही हो जाएगा यहाँ पर, अगर 30% हुआ यहाँ पर जैसे 100% हो जाएगा यहाँ पर आपको डाउनलोड ओके बोलकर एक नया बोर्ड चला आएगा। जैसे ही आपके पास डाउनलोड ओके बोल के एक नया बोर्ड चला आएगा आपका मोबाइल फ्लैशिंग यानी सक्सेसफुल हो गया है, यानी आपका मोबाइल उस समय चालू हो जाएगा। देखिए अभी 34% हुआ, मैं वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका पीसी में आप पीसी में चला रहे हैं या पीसी में यूज करते हैं या डेस्कटॉप यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं जिसमें भी आप यूज करते हैं उसमें याद रखिएगा कि ड्राइवर होना ज़रूरी है, बिना ड्राइवर का यह प्रोसेस नहीं होगा। और ड्राइवर फ्लैश फाइल का अंदर जब फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका अंदर ड्राइवर टूल और स्केटर तीनों फाइल दिए गए हैं, तीनों फाइल में ही तीनों फाइल आप लोगों का काम का है। मेरा ड्राइवर पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए मैंने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। 42% हो गया है, अभी भी थोड़ा वक्त है तो चलने देते हैं। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। देखिए 49% हो गया है, अभी भी चल रहा है तो हम इसे चलने देते हैं। 51% ये दोस्तों हड़बड़ी का काम नहीं है, आराम से स्केटर आपका लोडिंग हो रहा है, स्केटर लोडिंग होने देते हैं। इसका अंदर MT6582 IC है, मीडियाटेक का IC है। और आप चाहे तो पीछे वाला जो फोल्डर मैंने खोला है मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसे कोई ज़रूरी नहीं है खुला रखना, क्योंकि मेरा टूल यही पर है, मेरा यही टूल में ही काम है। देखिए 58% हो गया, 59, मैं वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करूँगा, आपको फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। माइक्रोमैक्स ये जो कैनवास डूडल है ये किटकिट वर्सन का आप लोगों के पास होगा, लेकिन मैं आप लोगों को जो फ्लैश फाइल का लिंक देने वाला हूँ ये लॉलीपॉप का लिंक है, ये आपका लॉलीपॉप में यानी 5.0 या 5.1 इसका वर्सन एंड्रॉयड वर्सन होगा, किटकिट या जेलीबिन नहीं होगा। 70% हो गया है, यह वीडियो पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में कुछ और प्रोसेस है जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। सेवेंटी फाइव
करीब करीब 80% हमारा फ्लैशिंग होने चला है। 100% हो जाने से हमारा सेट चालू हो जाना चाहिए, लेकिन चालू मैं करके आपको दिखा रहा हूँ और प्लस प्रोसेस फुल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। चालू होने के बाद का प्रोसेस, डोंट स्किप माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। माइक्रोमैक्स कैनवास डूडल फ्लैशिंग पैटर्न FRP ब्लिंकिंग ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्लैशिंग। दिस फ्लैश फाइल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 90% हो गया, अब 100% होने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। और ये अगर आपका मोबाइल बंद भी हो चुका है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, तो भी आप ये फ्लैश फाइल से आपका मोबाइल चालू कर सकते हैं। नाइन्टी एट। अब देखिए हमारा डाउनलोड ओके एक ऑप्शन चला आएगा। यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल में केबल लगा हुआ ऑलरेडी, देखिए डाउनलोड ओके यहाँ चला आया। अब डाउनलोड ओके आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल से केबल निकाल देता हूँ। केबल निकालने के बाद मैं अभी यहाँ ओपन ऑन कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। देखिए माइक्रोमैक्स लिखा आ गया है, तो आगे देखते हैं स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए हमारा यह स्टार्ट हो रहा है, डूडल लिखा चुका है। कन्वर्स डूडल, इसमें हमारा प्रॉब्लम था, माइक्रोमैक्स लिख के आगे नहीं बढ़ रहा था, या कभी कभी क्या हो रहा था, कन्वर्स लिख के आगे नहीं बढ़ रहा था, या कन्वर्स में अटक जा रहा था। जो दोस्तों आज हम लोगों ने इसे फ्लैशिंग करके ठीक किया, वो भी SP फ्लैश टूल से बिना कोई बॉक्स का। ये हमारा ठीक हो गया, बिना कोई बॉक्स का SP फ्लैश टूल से मैंने इसे ठीक किया। यह जो कन्वर्स लिख कर खड़ा है, करीबन 5 मिनट तक कन्वर्स लिख के खड़ा रहेगा। आप लोग इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो जाएगा, 100% गारंटी है। इसलिए मैं 5 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ। अब देखिए 5 मिनट बाद हमारा यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आ गया। मैं पीले वाले दाग पर क्लिक करता हूँ, आपका चिंता मत करिए FRP लॉक नहीं रहेगा। फिर स्किप करता हूँ, फिर यहाँ डोंट स्किप या स्किप एनी वे, तो मैं यहाँ फिर रिटर्न स्किप करता हूँ, फिर यहाँ पर स्किप, फिर स्किप एनी वे, डोंट स्किप, स्किप एनी वे करता हूँ, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर मोर, नेक्स्ट, फिनिश। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसका मॉडल नंबर एंड्रॉयड वर्सन। देखिए इसका मॉडल नंबर हमारा है माइक्रोमैक्स अबाउट डिफोन, देखिए 5.0 एंड्रॉयड वर्सन। मैंने आपको कहा था कि लॉलीपॉप किट कोड से इसमें लॉलीपॉप में चला गया किट कैट या उससे नीचे का कम वर्सन में नहीं रहेगा। माइक्रोमैक्स क्यों 321 मॉडल नंबर है। दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए, हमारा चैनल मोबाइल एंड PC सॉल्यूशन सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।